नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। शादी, निकाह या विवाह, आपकी जो मर्जी हो वो कह लीजिए, लेकिन इसकी भावना एक ही होती है, ये आप सभी को बेहतरीन ढंग से पता है। शादी में लोगों के कई अरमान होते हैं, जहां एक जीवन साथी की तलाश एक मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है और यहीं से पति पत्नी की अपनी दुनिया की शुरुआत हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्ते की नींव बनती किससे है? अब देखिए ना, एक दूल्हे के जीवन की वही नींव खत्म हो गई है, भरोसा। दरअसल लाखों अरमानों के साथ यूपी के मेरठ के रहने वाले एक व्यक्ति ने शादी रचाई थी, जहां उसने अपने सारे ख्वाबों को आंखों में लिए अपनी दुल्हन साहिबा के प्रति एक उम्मीद पाल रखी थी। लेकिन इस बीच उसके साथ हुआ कुछ ऐसा कि उसकी जिंदगी ने एक बहुत बड़े सच से वाकिफ करा दिया। उसे एक ऐसा झटका लगा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया, उसकी दुनिया उजड़ गई। क्योंकि शादी के बाद लड़के को यहां मालूम चला कि जिसे वो दुल्हनिया बनाकर घर लाया है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि वो मां बनने वाली है। यहां इस मामले की जानकारी ने दूल्हे और उसके पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। दरअसल शादी के बाद सुहागरात के दिन दुल्हन के पेट में काफी तेज पेट दर्द की समस्या हुई, जिस पर दूल्हे मियां घबरा गए और एक आशंका के तौर पर इस बात की खबर उसने अपनी मां को दी। अस्पताल ले जाया गया और अल्ट्रासाउंड जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि दुल्हन जुड़वा बच्चे की मां बनने वाली है। यहां घबराए हुए दूल्हे ने अपने ससुराल में पूरी बात की जानकारी दी, जिस पर उल्टा दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे मियां को धमकी दी कि वो उस पर झूठा मुकदमा चलाएंगे, जबकि ससुराल वालों ने दूल्हे से 10 लाख रुपए की मांग कर दी। यहां इस सारे पचड़ में फंसा हुआ दूल्हा मेरठ SSP ऑफिस पहुंचा, जहां उसने लिखित शिकायत में अपनी आप बीती सुनाई और न्याय की मांग की। इस बीच उसके पिता ने बताया कि शादी के रात में ही दुल्हन ने उसके बेटे से कहा था कि उसके पेट में दर्द है, लेकिन तब किसी का ध्यान नहीं गया। पर आगे इसकी जानकारी सामने आई, जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहां इस मामले पर पुलिस अधिकारियों ने लड़के और उसके घर वालों को यह सांत्वना दी है कि इस केस में जांच निष्पक्ष होगी और कार्रवाई की जाएगी, सच भी सामने आ जाएगा और न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।